वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस का टाइप टू. व्हाट डज टाइप टू सेज? टाइप टू सेज दैट फैक्टर्स सेम है. प्रीवियसली फैक्टर्स वर डिफरेंट, या फैक्टर्स आर सेम एंड डिग्रीज आल्सो सेम. लेट्स चेक. नाउ सी एक्स प्लस वन फैक्टर हाउ मेनी टाइम्स? टू टाइम्स. फैक्टर्स आर सेम, इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन, सो डिग्री इज ऑल्सो सेम. इन दिस केस ऑन द फर्स्ट स्टेप विल चेंज, रेस्ट द एंटायर पार्ट रिमेन्स द सेम. तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, लेट सी. इसको ऐसा लिखेंगे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स ए अपॉन द फैक्टर नॉट रिपीटिंग, ए अपॉन द फैक्टर नॉट रिपीटिंग प्लस बी अपॉन फैक्टर रिपीटिंग वन टाइम, फैक्टर रिपीटिंग वन टाइम प्लस सी अपॉन फैक्टर रिपीटिंग टू टाइम्स. आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि फैक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार. तो पहले एक बार, दो बार, इन शॉर्ट जीरो टाइम्स रिपीटिंग फैक्टर, वन टाइम रिपीटिंग फैक्टर, टू टाइम रिपीटिंग फैक्टर, इट गोज ऑन टिल दैट फैक्टर एंड्स. ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3x माइनस 2 क्या आएगा, a टाइम्स x प्लस 1 द होल स्क्वायर, यह आएगा b टाइम्स x प्लस 1 x प्लस 3 और यह आएगा c टाइम्स x प्लस 3. अंडरस्टूड? नाउ इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3. यस, ओके, दैट स्टेप रिमेन सेम. x इक्वल टू माइनस 3, सो माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, ये दोनों जीरो हो जाएगा. सो ए टाइम्स माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, देयरफॉर आई एम गेटिंग ए एज माइनस 11 बाय 4. टू मेक दिस जीरो आई विल पुट एक्स एज माइनस 1. क्या पुट करेंगे एक्स को? माइनस 1. सो लेट अस से एक्स इक्वल्स माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 5, दिस विल बिकम 0, ये भी 0 हो जाएगा, आई विल गेट सी, सी कितना आएगा 2, देयरफॉर सी मिला माइनस 5 बाय 2, क्या मिला सी, माइनस 5 बाय 2. नाउ ये भी 0 हो गया, ये 0 लिया तो सी मिला. अगेन इफ आई पुट एक्स एज माइनस 1 अगेन बी 0 हो जाएगा, मुझे बी फाइंड करना है. So what I can do, I can take any value of x except minus 1 and minus 3. Take anything as x. So let me say that I'll take x as 0. क्या लेंगे x को? 0. तो कितना आएगा? Minus 2. A कितना दिया है? I'll substitute the value of a now. Minus 11 by 4. ये हो जाएगा 1. Plus b. 0 plus 1, 1. 0 plus 3, 3. C, sorry, what is C now? Minus 5 by 2. So minus 5 by 2, 3. Understood? Let us simplify to get the value of B. So minus 2 plus 11 by 4 plus 15 by 2 is equal to 3B. Correct? Kitna ho jayega ye? Minus 8 plus 11 plus 30 upon 4. इज इक्वल टू 3b. कितना आएगा? 33 बाय 4. देयरफॉर b इज 11 बाय 4. ठीक है, कितना आया b? नाउ अगेन द स्टेप्स आर सेम. a मिल गया, c मिल गया, b मिल गया. आई विल रिप्लेस a b c वेयर हियर एंड आई विल इंटीग्रेट दिस. लेट्स इंटीग्रेट. r इज इक्वल टू a, हाउ मच, माइनस 11 बाय 4 dx upon x plus 3, b 11 upon 4 dx upon x plus 1, c minus 5 by 2 dx upon x plus 1 the whole square. degree 1 है, so integration क्या आएगा इसका, log. correct, again degree is 1, so integration आएगा log. ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज वन प्लस वन अपॉन एक्स,
That's your answer. Understood? Okay. Children, it is 5x square 20x plus 6 x cube plus 2x square plus x. I'll take x common from denominator because we have to deal with only quadratic. So ho jayega 5x square 20x plus 6 x common liya x square plus 2x plus 1. Correct? So ho jayega 5x square plus 20x plus 6. This will become x, x plus 1 the whole square. Degree same, repeating factors. कैसे लिखोगे? 5x square plus 20x plus 6, x, x plus 1 the whole square. A upon not repeating factor, B upon repeating factor one time, C upon repeating factor two times. क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? ए टाइम्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर, बी टाइम्स एक्स प्लस वन, सी टाइम्स एक्स. क्या लेंगे पहले एक्स को? जीरो. तो ले लो. सो लेट एक्स इक्वल्स जीरो. सो इफ आई टेक एक्स जीरो, ये कितना आएगा? सिक्स. ए something wrong if I take x as 0 okay here wrong likha yahan par x bhi aayega kya aayega x so b or c 0 ho jayega what is left a a kitna aaya 6 okay yahan par x bhi aayega okay this x now I'll take x as minus 1 hai na so let x equals minus 1 so I'll get 5 माइनस 20 प्लस 6 है ना 5 माइनस 20 प्लस 6 ए जीरो हो जाएगा बी जीरो हो जाएगा व्हाट इज लेफ्ट सी माइनस 1 सो माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस सी तो सी कितना हुआ 9 मींस आई गॉट ए एंड सी इन दिस टाइप ऑफ सम दो वेरिएबल्स इजीली मिलेंगे थर्ड वेरिएबल यू हैव टू फाइंड बाय सम वेज ओके सो आई एम गेटिंग 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इक्वल्स ए कितना है 6 टाइम्स x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस b x x प्लस 1 प्लस 9x नाउ देयर आर टू वेज आइदर गेस द वैल्यू ऑफ x और इक्वेट द कोएफिशिएंट्स सो आई विल ट्राई टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स हियर समथिंग न्यू फॉर आर यू ये आएगा 6x स्क्वायर 12x प्लस 6 बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9x ठीक है तो देखो 12x प्लस 9x प्लस बी एक्स और 20x इक्वल हो जाएगा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स सो बी एक्स प्लस 21x इक्वल टू 20x सो बी एक्स इक्वल्स माइनस एक्स सो बी कितना आया माइनस 1 क्या है बी माइनस 1 अंडरस्टूड ए मिला बी मिला सी मिला क्या करोगे इसको इंटीग्रेट करोगे सो आई हो जाएगा 6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 1 dx अपॉन x प्लस 1 9 dx अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर इसका भी लॉग इसका भी log so log mod x plus 1 और इसका 1 upon x square का minus 1 upon x understood clear integration of dx x 1 plus 4x cube 3x to the power 6 ठीक है now see denominator में power 6 है I don't like that power 6. So I convert this into quadratic. तो इसे quadratic बनाने के लिए I'll write 3 x cube का square 4 x cube plus 1.
नाउ इसको क्वाड्रेटिक बनाना है. सो फर्स्ट आई विल से लेट x क्यूब बी t. क्या लिखेंगे x क्यूब को? t. तो 3x स्क्वायर dx क्या आएगा? dt. प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट हैव x स्क्वायर इन न्यूमरेटर. सो मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x क्यूब. ऑलरेडी देयर वाज x, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर. ठीक है, 3 भी चाहिए तो 3 भी ले लो. चलो करेक्ट. सो इट बिकम्स 1/3. ये पूरा dt, दिस बिकम्स t एंड दिस बिकम्स 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1. क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करेंगे. मल्टीप्लाई किया 3, ऐड किया 4, क्या आएंगे फैक्टर्स? सो 3 प्लस 1, सो 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस t प्लस 1, है ना? दैट इज 1/3 dt अपॉन t. 3t इफ यू चेक आपको ऐसा आएगा 3t प्लस 1 एंड t प्लस 1. इफ यू फैक्टराइज इट यू गेट द सेम आंसर. ओके, सी सम कैसा हो गया? डिग्रीज आर सेम, फैक्टर्स आर डिफरेंट. मतलब इस टाइप का सम नहीं हुआ ये, इट इज लाइक द प्रीवियस वन. यू गेटिंग इट? प्रीवियस टाइप का सम हुआ. सो आई जस्ट हेल्प यू इन दिस. आई कैन राइट 1/t 3t प्लस 1 t प्लस 1 एज a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, c अपॉन थर्ड ब्रैकेट. करेक्ट? यस, लेट मी जस्ट चेक. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 इज इक्वल टू a 3t प्लस 1 t प्लस 1. b में क्या आएगा? t t प्लस 1. c में क्या आएगा? t 3t प्लस 1. करेक्ट. नाउ फर्स्ट आई विल टेक t एज 0. क्या लेंगे t को? 0. t को 0 लिया, b और c 0 हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट? 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस 1 1 1. सो a इज कमिंग 1. अंडरस्टूड? क्लियर? देन t को लेंगे माइनस 1. t को लेंगे माइनस 1. सिंस आई एम टेकिंग t माइनस 1, a और b 0 हो जाएगा. सो क्या आंसर आएगा? 1 इज इक्वल टू c माइनस 1 माइनस 2. सो c कितना आ रहा है? हाफ. करेक्ट. अब t को लेंगे माइनस 1/3. आई विल से लेट t माइनस 1/3. तो क्या मिलेगा? 1, a और c 0 हो जाएगा, माइनस 1/3 प्लस 1. सो क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 2/3 b. सो b कितना आ रहा है? माइनस 9/2. अंडरस्टूड? a b c मिल गया. नाउ आई कैन इंटीग्रेट वेरी इजीली. a इज 1 तो मेरा i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt by t. रिमेंबर वन मिस्टेक यू विल मेक, यू ऑल शुड नॉट फॉरगेट दिस 1/3. आर यू गेटिंग इट? सो पूरे को 1/3 से मल्टीप्लाई भी करना है. b कितना है? माइनस 9/2 dt अपॉन 3t प्लस 1. c कितना है? हाफ dt अपॉन t प्लस 1 द होल. Answer 1/3. I know the integration part. You can solve on your own. Okay.